ये है कि यहाँ पे आस्ट्रोप के प्लस स्टूडेंट हैं और कमरे तीन हैं, तो उस कमरे मतलब तीन कमरों में बच्चों को बैठने में बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है। उसके बाद ये स्कूल भी सीएम राइसिस के उसमें आ गया है, तो मतलब स्कूल वालों को भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है हमसे। और हम दिस पॉइंट शुड बी नोटेड, सीएम राइज हो चुका है और वहाँ पर कॉलेज संचालित हो रहा है। मैं हूँ संजय वैष्णव, आप देख रहे हैं NVTV बनखेड़ी में जो एकमात्र कॉलेज है, क्योंकि मैं बनखेड़ी की स्थिति आपको बताना चाहूँगा। ये जो नगर है वो तकरीबन 130 गांव से जुड़ा हुआ है। पिपरिया और जो का जो कॉलेज है वो यहाँ से 22 किलोमीटर दूर है बनखेड़ी से, और जो बनखेड़ी से 40 किलोमीटर दूर गांव है उनके लिए पिपरिया कॉलेज वो 60 किलोमीटर पड़ता है। एकमात्र कॉलेज जिसको बन जाना चाहिए था 2018-19 में, लेकिन आज 2022 तीन साल की देरी के बाद भी वो कॉलेज अभी तक पूरी तरह से बना नहीं है। अभी जो फ़िलहाल जो कॉलेज है तकरीबन 2-3 साल से वो टैगोर स्कूल में लग रहा है, वहाँ पर जो बच्चे हैं वो भी 1500 से ज़्यादा हैं, और जो कॉलेज के बच्चे हैं लड़कियाँ हैं लड़के हैं वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, उनकी भी जो संख्या है वो 600-700 से ज़्यादा होगी। ऐसी स्थिति में दर्शकों के नाते, जनता के नाते हम उम्मीद लगा सकते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो कैसे उच्च शिक्षा ग्रहण कर पा रहे होंगे और जो शिक्षा उनको मिल रही होगी वो कितनी गुणवत्ता वाली होगी। फिलहाल यहाँ के छात्र हैं, क्या नाम है दोस्त आपका? प्रियान सरदेनिया। किस क्लास में पढ़ते हो? मैं सेकेंड ईयर में हूँ, BA। BA कर रहे हो जी। क्या बनना चाहते हो आप? मैं अग्निवीर की तैयारी कर रहा हूँ, मैं आर्मी में जाना चाहता हूँ। अच्छा, ग्रेजुएशन कर रहे हो जी। ये बताओ प्रमुख समस्या क्या है कॉलेज में? समस्या ये है कि यहाँ पे आस्ट्रोप के प्लस स्टूडेंट हैं और कमरे तीन हैं, तो अच्छा। उस कमरे मतलब तीन कमरों में बच्चों को बैठने में बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है। उसके बाद ये स्कूल भी सीएम राइसिस के उसमें आ गया है, तो मतलब स्कूल वालों को भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है हमसे। और हम दिस पॉइंट शुड बी नोटेड, सीएम राइज हो चुका है और वहाँ पर कॉलेज संचालित हो रहा है। मेरी ये आवाज़, ये जो समस्या है वो अधिकारियों तक पहुँचना चाहिए। पुनः मैं चाहूँगा दोस्त से, तो हमारी मांग ये है कि मतलब हमारा या तो कॉलेज चालू करवाएं और नहीं तो फिर हमको कमरे ज़्यादा से ज़्यादा दें, क्योंकि हमारी पढ़ाई लिखाई नहीं हो पा रही है इसमें। तीन कमरों में आप खुद सोच सकते हैं कि 800 बच्चे कैसे बैठेंगे। अच्छा जी, आपने ये बात वहाँ के जो प्राध्यापक हैं उनसे रखी, प्रिंसिपल हैं उनसे रखी है? जी जी बिल्कुल, कई बार रखी है, बहुत बार बोला है, उन्होंने भी बहुत कोशिशें की हैं और कई बार पत्र लिखा है उन्होंने उच्च शिक्षा विभाग और जो महोदय मंत्री वगैरह जिनको सबको पत्र लिखे हैं, परंतु उसकी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या वजह लग रही है, क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? अब ये तो वो लोग ही जान सकते हैं कि क्या क्या वजह है। आज जो जनप्रतिनिधि हैं यहाँ के, सांसद हों विधायक हों, उनसे बात करी आपने? जी बिल्कुल, आज ही आए थे वो यहाँ पे बनखेड़ी में, उनका कार्यक्रम था, तो हमने उसके दौरान, उस कार्यक्रम के समापन के दौरान हमने उनसे बात करी, तो वो बोलते हैं धैर्य रखें। अब हमने उनसे बोला कि हम 2019 में बन जाना चाहिए था इसको, तो हम कब से धैर्य रखें और कितना धैर्य रखें? उनने यह बोला कि आप धैर्य रखें और आपके बोलने से कुछ नहीं होगा। ये बात किसने कही आपसे? सांसद महोदय जी। अच्छा, सांसद राव उदय प्रताप सिंह जी ने। जी बिल्कुल। तो अब क्या लगता है, आप धैर्य रखेंगे? सर आप कब तक धैर्य रखें, हमको कुछ डेट दे दें कि इतने महीने या इतने साल और डेट धैर्य रखें तो हम धैर्य रखें। आप कब तक धैर्य रखें? अच्छा जी, अभी कॉलेज का काम कितना हो गया? कॉलेज का काम लगभग अभी मतलब जो फर्स्ट फ्लोर है वो कंप्लीट होने वाला है, अभी उसमें भी बहुत सारे काम रह गए हैं, जैसे खिड़कियाँ लगना और जो अपने मेन रोड से अंदर कॉलेज के लिए एंट्री है तो उसमें भी कीचड़ वगैरह है, तो उसका भी वो काम होना रह गया, गेट लगना रह गया और बहुत से काम रह गए हैं फर्स्ट फ्लोर के। तो हमने उनसे ये भी बोला कि आप हमको फर्स्ट फ्लोर कंप्लीट करा के दे दीजिए तो हम उसमें करा लेंगे, तो वो भी तैयार नहीं है फिलहाल, आप धैर्य रखें। जी जी, तो निश्चित तौर पर ये जो मांग है वो आप देख सकते हैं, छात्र हैं, बातें सरकार के द्वारा, जनप्रतिनिधियों के द्वारा, सामाजिक मंचों पर, बड़े बड़े मंचों पर विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की जाती है, लेकिन उज्जवल भविष्य क्या तीन कमरों में बन पाएगा बनखेड़ी के बच्चों का? क्या जो बनखेड़ी के नौजवान हैं वो इसी तरह से दावों के विपरीत अपनी शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे? ये देखना मुनासिब होगा कि ये जो महाविद्यालय है बनखेड़ी का वो कब तक बन पाता है। फिलहाल जैसे जो हमारे विद्यार्थी हैं हरदेनिया हैं, उन्होंने हमें बताया कि सांसद जी ने जो जवाब दिया, धैर्य, तो हम यही चाहेंगे हमारे जनप्रतिनिधियों से कि जल्द से जल्द आप कार्रवाई करें, चूँकि इन विद्यार्थियों के, इन नौजवानों के वोट से आप
इस गद्दियों पर बैठे हैं, आपको जनप्रतिनिधि चुना है, ये सबसे बड़ी आपकी जवाबदारी है कि आप जल्द से जल्द इनकी मांगें पूरी करें, तभी आपके जो वादे हैं, तभी आपके जो दावे हैं उन पर देश की जनता, क्षेत्र की जनता विश्वास कर पाएगी और आपकी झोली में मताधिकार दे पाएगी। खबर आप देख रहे हैं NVTV पर। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, नहीं लगी हो तो डिसलाइक करिए। कमेंट करके इस खबर के बारे में अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो इसी तरह की खबरें हैं वो आपके मोबाइल में ऑटोमेटिक आ सके। संजय वैष्णव की रिपोर्ट। नमस्कार।